औरंगाबाद शहरात आमदार इम्तियाज जलील यांनी नशामुक्ती अभियान सुरू केले आहे. औरंगाबाद शहरात आमदार इम्तियाज जलील यांनी नशामुक्ती अभियान सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत आमदार जलील यांनी गुरुवारी शिवशंकर कॉलनीतील बेकायदा गुटख्याच्या गोदामावर छापा मारला. त्यांनी छापा मारण्यापूर्वी पोलिसांना याची कल्पना दिली होती, मात्र पोलीस नेहमीप्रमाणे उशीर आले. तत्पूर्वी आमदार जलील यांनी गोदाम फोडले, लाखो रुपयांचा गुटखा त्या गोदामातून जप्त केला. वास्तविक ही कारवाई अन्न आणि औषध प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे, पण हा छापा टाकल्यानंतरही पोलीसही उशीर आले तर अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी आलेच नाही, असा आरोप आमदार जलील यांनी एआयएन न्यूजशी बोलताना केला. देखिए, करीब डेढ़ महीना पहले मैंने औरंगाबाद शहर में जो पिछले कई महीनों से गुटके का और दो नंबर के जो धंधे चल रहे थे उसके खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ी थी. और मेरी मुहिम छेड़ने की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे थे कि हम जिनसी पुलिस स्टेशन से एक मोर्चा निकालने वाले थे और वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक ले जाने वाले थे. उसके बाद पुलिस वाले घबराए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे, हमको थोड़ा सा समय दीजिए. एक मीटिंग आयोजित की गई कमिश्नर ऑफिस के अंदर, जहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जहाँ पर एफडीए के अधिकारी मौजूद थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे. और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझे शब्द दिया था कि आप हमको एक महीने का समय देना, हम एक महीने के अंदर ये पूरे धंधे है तो औरंगाबाद शहर से बंद कराएंगे. नतीजा ये हुआ कि ये धंधे बंद तो नहीं हुए, लेकिन जो पुलिस वाले 1 लाख रुपया हफ्ता लेते थे जो पुलिस स्टेशन, उन्होंने ये कहना शुरू कर डाला ये धंधे करने वालों को कि वो आमदार बहुत पीछे पड़ा हुआ है, अब ये धंधा नहीं कर सकते हैं. अगर धंधा करना है तो अब 1 लाख रुपये नहीं 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा. 1.5 की जगह 2 लाख रुपये उन लोगों ने हफ्ता लेना शुरू कर डाले. धंधे वैसे के वैसे ही चल रहे थे. पुलिस को बोलने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि या तो अपनी आंखों के सामने एक नौजवान पीढ़ी को, एक नौजवान नस्ल को बर्बाद होता हुआ देखें या खुद कुछ करें. तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना हम जनता का समर्थन लिया जाए, सपोर्ट लिया जाए. मैंने लोगों से कहा जहां जहां पर भी इस तरह के गोडाउन है आप मुझे बताइए. मुझे जानकारी मिली कि औरंगाबाद के शिवशंकर कॉलोनी के अंदर ये गोडाउन है. जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैं यहां पर पहुंचा. पीछे का जो रूम है, जहां पे जैसे ही अगर कुछ हलचल होती है ये पीछे के रूम से पूरे थैले यहां से निकाल दिए जाते हैं. आज सुबह भी 2 गाड़ियां भरकर, पास पड़ोस के लोगों से पूछिए, रात भर गाड़ियां आती जाती रहती है यहां पर, रात भर आती जाती रहती है, माल यहां से उतरता है और यहीं से पूरे मराठवाड़ा ही नहीं, मराठवाड़ा के बाहर भी पूरा सप्लाई यहां से होता है. मैंने आते ही फौरन डीसीपी साहब को फोन किया और डीसीपी साहब को कहा कि आप आइए, यहां पर रेड करना है. उन्होंने कहा कि मैं जिनसी पुलिस स्टेशन में हूं, मैं फौरन पहुंच रहा हूं. 40 मिनट तक जब वो नहीं आए तो मैंने उनको फोन करके दोबारा जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग के अंदर हूं. मुझे ये बात समझ में आई कि इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए. पैसा मिल गया तो हमारे को कोई मतलब नहीं है. मेरा ये कहना है कि ये गुटखा देखिएगा, ये बैन है. पुलिस वाले जब आए तो कहा कि एफडीए वाले नहीं है. एफडीए वालों को जब फोन किया तो एफडीए वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे पास गुटखे का नहीं आता है, एफडीए हमको देखना पड़ेगा कि अधिकारी कौन है करके. दरअसल हकीकत यह है कि एफडीए भी हफ्ता खा रहा है, पुलिस भी हफ्ता खा रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हफ्ता खा रहा है, इस वजह से यह सब चल रहा है. अगर पुलिस वालों को पैसे से इतना ही मोहब्बत है, इतनी ही अगर उनको पैसा चाहिए और एक नौजवान नस्ल मरती है, मर जाए, उनको कैंसर होता है, होने दे, तो मेरा ये कहना है कि अगर ये आप धंधे अगर बंद नहीं हुए, मैं एक एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े रहूंगा, झोली लेकर खड़े रहूंगा और आते जाते जनता को ये कहूंगा कि इस झोली के अंदर पैसे डालो, हमारी पुलिस को है तो हमको पैसा प्रोवाइड करने का है. और मेरा तो ये एक दावा है कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है हफ्ता वसूली के नाम के ऊपर, ये सिर्फ यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं जा रहा है, ये यकीनन मुख्यमंत्री के पास तक जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है. और अगर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे अगर पुलिस वाले ये धंधा अगर इस तरह से चला रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है इसका, ये आने वाले अधिवेशन के दौरान हम इस मुद्दे को उठाएंगे. ही कार्रवाई जवाहर नगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शरद इंगळे, पोलीस उपनिरीक्षक श्रद्धा महांगुळे, पोलीस कर्मचारी सुनील बडगुजर, समाधान काळे यांनी केली.